अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार ये पालक मगज़ अंडे की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ, जो बनाने में बेहद ही आसान है और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट किस्म का होगा। और आपको ये रेसिपी कहीं भी आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये जायका मुफीद किचन की रेसिपी है। तो ये ज़रूर बनाएं। तो बस मेरी कोशिश है आपको आसान सी रेसिपी दे सकूँ, तो मुझे सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बिल्कुल फ्री में। और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए बनाते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म के एग मगज। तो इसके लिए हमने यहाँ पे हाफ लीटर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले ये काम कर ले। और हमें यहाँ पे एक ब्रांच यानी कि हाफ के जी हमें यहाँ पे पालक चाहिए। तो डंठल के साथ लेना है और इसे अच्छे से इसके जड़ को निकाल देना है और अच्छे से वॉश कर लेना है। इसे कुछ भी स्किप नहीं कर डाल, डंठल वगैरह के साथ लेना है। तो ये हमने ले लिया है, इसे अच्छे से धो लिया है। अब जो पानी हमारा बॉयल होने के लिए रखा हुआ, ये बॉयल आ चुका है। अब ये पालक को हमें सारा का सारा इसमें डाल देना है। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इसके लिए, बस हमें इसे पकाना नहीं है, बस इसे हल्का सा डिप करना है पानियों के साथ। और जैसे ही बॉयल आने लगेगा इसे हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से सारे पालक को अच्छे से पानी में डिप कर देंगे। तो ये देखिए जैसे ही बॉयल आ रहा है, ये एक चिमटे से हम इसे दोनों साइड से पलट देंगे ताकि ये इक्वल दोनों साइड से पक जाए पालक। और गैस हमने बंद कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, एक साइड रख देना है और हमें दूसरे साइड हमें ले लेना है 1 लीटर पानी। एकदम चिल्ड पानी चाहिए। और अगर आपका पानी ठंडा नहीं है तो आप क्या करें, उसकी जगह पे आइस क्यूब डालें, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। आइस क्यूब डालने के या पानी ठंडे में इसलिए डालना है कि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है गर्म के वजह से ये पकना बंद हो जाए, यानी कुकिंग प्रोसेस इसका बंद हो जाए और ये एकदम इसके पालक के एकदम ग्रीन रहे और इसका टेस्ट बरकरार रहे। तो बस इस तरह से डाल देना है और बस 1 मिनट के बाद इसे हमें निकालते जाना है। निकालने से पहले इसे हमें क्या करना है, जो पानी हमने पालक का रखा हुआ है इस तरह से, जिससे हमने पालक उबाले हैं, वो पानी हमें इसकी यानी फेंकना नहीं है। इसे चाहे तो ठंडा होने दे, इसके साथ आटा गूंद ले या फिर सब्जी वगैरह या दाल वगैरह बना ले, क्योंकि ये आयरन पूरा पालक का जो है उसमें आ गया है, तो आप इसे स्किप ना करें। तो अब हमें क्या करना है, एक मिक्सर जार लेना है और ये जो पालक है हमें चिमटे की सहायता से इस तरह से सारा निकाल लेना है और इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। तो पीसने के समय भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि लगातार इसे नहीं पीसेंगे, वरना ये गर्म होके इसका कलर भी चेंज होगा और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। बस रुक के 2 से 3 बार आप पीसेंगे तो ये आराम से स्मूथ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक कढ़ाई ले लेना है, उसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लेना है, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1/2 तेज़ का पत्ता, तो वो हमें कट करके लेना है। और डालने के बाद हमें क्या करना है, 1 बड़े साइज़ का प्याज ये डाल देना है, एकदम बारीक काट ले प्याज। तो प्याज डालने के बाद इसे हम अच्छे से हल्का सा गोल्डन होने तक भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो ये डालने के बाद हमें डालना है इसमें 1 बड़ा साइज़ का टमाटर का क्रश किया हुआ, ये क्रश करके ले। आप बहुत बारीक प्यूरी ना बनाएं। और जब आप इसे क्रश करें यानी कि हल्का सा दरदरा पीसे, तो इसमें 2 इलायची ले लेना है आपको, हरी इलायची, जो हरी वाली इलायची होती है ना, वो हमें यहाँ पे लेना है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर के साथ 2 हरी इलायची लिया हुआ, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये इस बात को जहन में ज़रूर रखें आप। और इसे डालने के बाद इसे हमें 1 से 2 मिनट भून लेना है। भूनना यूँ है कि जिंजर गार्लिक का और टमाटर का जो कच्चा फ्लेवर है वो अच्छे से निकल जाना चाहिए। 2 मिनट के करीब हम भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं पड़ते, बस हल्के फुल्के से ये मसाले पड़ते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, एकदम फ्रेश ताज़ा पिसा हुआ ना होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप बाज़ार वाले भी ले सकते हैं।
और हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर ये ले लें। और ये डालना है बस, और कुछ भी नहीं डालना है। अब इसे हल्के से हमें भूनना है, तो हमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे 3 से 4 मिनट के करीब मसालों को अच्छे से भूनना है, ताकि इसका जो फ्लेवर है और प्याज वगैरह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो मैं मसालों को ढक ढक के भूनने के लिए प्रेफर करती हूँ, तो आप ये काम ज़रूर करें। थोड़े से बीच बीच में पानी डाल के आप भूनें, लगातार आप ना भूनें, वरना ये मसाले का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अब हमें क्या करना है, नमक ले लेना है। तो नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग लें, और नमक डालने के बाद हमने यहाँ पे 1 से 2 मिनट भून लिया। आप देख सकते हैं ऑयल हमारा बिल्कुल सेपरेट हो गया, टमाटर प्याज वगैरह अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और मसालों से अच्छे से खुशबू आने लगी है। तो इतना हमें टोटल यानी कि 6 से 7 मिनट के करीब इस मसालों को भूनना है। बस 2-2 मिनट करके इसे हम डिवाइड करके भूनेंगे मसालों को। तो ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1/2 कप से थोड़ा सा कम मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, यानी 1/4 कप। ये डालने के बाद हमें गैस को एकदम बंद कर देना है। उसके बाद हमें एक एक अंडा इस तरह से डाल देना है। अंडा आप अपनी फैमिली के हिसाब से डालें, उस हिसाब से आप मसाले प्याज सब अपने हिसाब से ले लें। मैं यहाँ पे 5 अंडे की बना रही हूँ, और आप जब भी ये बनाएं तो थोड़े चौड़े वाले बर्तन ही ले, ताकि ये अंडे एक दूसरे से चिपके ना। तो ये हमने ले लेना है, और इसे धीमी आंच में एकदम स्लो फ्लेम पे इसे हमें 5 से 6 मिनट अच्छे से पकाना है। ये देखिए आप अंडा खुद ब खुद इस तरह से थोड़े से चम्मच लगाते हुए आप जैसे लगाओगे ना, तो इस तरह से अंडे, क्योंकि हमने थोड़े थोड़े रुक के 2-3 सेकंड के बाद एक एक अंडा डाला है, तो वो अपना एक एक अलग जगह बना के हो जाता है। तो ये आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें क्या करना है, जो हमने पालक पीस के रखा है वो हमें इसमें ऐड कर देना है। थोड़ी सी उसमें 2 चम्मच के करीब पानी डाल देना, और अच्छे से इसे हमें धो के मिक्सर जार को डाल देना है पालक, क्योंकि हमारे इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल होना चाहिए। और हमें क्या करना है, पालक एकदम बराबर से इस तरह कर देना है, क्योंकि पालक हमारे पके हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसे ढक के इसे गैस कर देना है बंद। अब गैस बंद करने के बाद हमें ले लेना है एक तड़का पैन। तो मैं यहाँ पे एक तड़का पैन ले ले रही हूँ छोटे सा, और उसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून घी। घी या बटर आप ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ गार्लिक, और 3 से 4 हरी मिर्च अपने टेस्ट अकॉर्डिंगली, और इसे अच्छे से थोड़ा सा जला लें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एकदम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए 1 कोयले के अंगारे। इस तरह से ऑयल में डायरेक्ट आप डालें, ये आप ज़रूर करें इस तरह से, ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आए। और बीच में इस तरह से रख देना, और इसे फौरन ढक देना है। ढकने के बाद 2 से 3 मिनट हमें अच्छे से इसी में रखने देना है, ताकि इसका जो तंदूरी फ्लेवर है, वो स्मोकी फ्लेवर है, वो अच्छे से आ जाए। अब इसे धीरे से हमें इस कोयले को निकाल देना है। तो ये लकड़ी के कोयले होते हैं, तंदूर वगैरह डायरेक्ट जैसे कोई भी चीज़ पकाया जाता है ना, तो वैसे सेम हमें यहाँ पे करना है। तो बस ख्याल रखिए कि जब आप इसके ऊपर जो तड़का लगाएं, उसमें आप क्या करें, बटर या घी, ये एकदम कंपलसरी आप ज़रूर लें, वरना इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। अब ये देखिए आप कितनी डिलीशियस लग रही है, दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, खाने में वाकई माने बहुत मज़े की लगी थी। इसे मैंने ट्राई किया, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो इसी तरह की और भी रेसिपी मैंने अपने चैनल में डाल दी है, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि अंडे की रेसिपी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है अंडे, और ख़ास तौर से ठंडे में हम लोग अंडे वगैरह खाना ही चाहिए, और थोड़े से डिफरेंट हो जाए तो क्या करें। तो इस तरह से आप डिफरेंट किस्म की रेसिपी खाएँ, और मेरे चैनल में जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह से जायका मुफीद किचन की रेसिपी आपको फौरन मिल सके।
तो उम्मीद करती हूँ आज का ये डिलीशियस रेसिपी आपको बेहद बेहद पसंद आई होगी। यदि रेसिपी पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और रेसिपी बहुत अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमसे जुड़े और हमारी हौसला अफजाई बढ़ाएं। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखें। तो इसी तरह एक मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खूब अच्छी अच्छी रेसिपी खाएं, खिलाएं। अल्लाह हाफिज़।